कलेला कोणतंच बंधन नसतं. कलेची साधना केल्यानं माणूस समृद्ध होतो. अशाच काही कलाकारांना आज आपण भेटणार आहोत. मुंबईतील धारावीमध्ये राहणाऱ्या या कलाकारांनी एकत्र येऊन एक म्युझिक बँड तयार केला. या बँडचं नाव आहे धारावी रॉक्स. बँडपेक्षा हा बँड वेगळा ठरतो. याचं कारण म्हणजे यातील कलाकारांनी टाकाऊ वस्तूंपासून वाद्यांची निर्मिती केली आणि सर्वांना आपल्या तालावर ठेका धरायला भाग पाडलं. 2008 जेव्हा याची सुरुवात झाली तेव्हा सरांनी असा विषय काढलेला की आपण जे वेस्ट वगैरे यूज म्हणजे फेकतोय ते आपण कसं यूज करायचं, रियूज कसं करायचं त्याचा, आणि त्याच्यावर आपण काय करू शकतो ते त्यांचं हे होतं. आणि 2009 त्यांनी पोर गोळा केली आणि हे सगळे ड्रम वगैरे म्हणजे एकत्र करून त्यांनी पोरांना शिकवलं. अजूनपर्यंत 50 ते 60 हजार पोरं इथून शिकून गेलेत, अजूनही शिकत आहेत पोरं. इथं रॅपर्स आले, बीटबॉक्सर्स आले, ड्रमर आहे, डान्सर आहेत, इथं खूप काही शिकवलं जातं. सर इथं आम्हाला जे इन्स्ट्रुमेंट देतात ते आम्हाला देत नाही, ते सुद्धा आम्हाला सांगतात असं त्या इन्स्ट्रुमेंटला बनवा किंवा याला असं यूज करा. मैं नासिक से आता हूँ तो जो स्कूल में दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैं टीच करता हूँ तो क्या होता है जब बच्चों को आप लोग सब इंस्ट्रूमेंट्स आप जब प्रोवाइड करते हैं उनको हर एक चीज़ें हाथों में मिलती है तो वो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी फ्लो हो जाता है. उनको ऐसा लगता है कि चलो ये प्ले किया तो यही साउंड है. बट यहाँ पर आके जब मेरे को पता चला कि नहीं, जो धारावी के बच्चे हैं वो लोग खुद अपने अपने बकेट्स या कभी भी वो लोग रास्ते से कहीं से जाते हैं और उनको कभी लगता है कि नहीं ये चीज़ों से भी साउंड निकल सकता है, क्योंकि धारावी एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे लोग सिर्फ बकेट को अगर आप बोलोगे तो वो लोग बकेट को लेके बजाएंगे, बट यहाँ वैसा नहीं. ये सिस्टम ऐसा है कि आप रिदम के साथ मेलेडी लेके चलते हो. जैसे अभी आप देखोगे तो ये जैसे बॉटल है तो इसमें राइस है जो नॉर्मली हम लोग घर में खाते हैं, और आधे आप होटल में देखोगे कि जब खराब चीज़ें हो जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है. तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो बॉटल्स है जहाँ अगर गिरा पड़ा अगर हमको मिला तो उसमें वही राइस को हम लोग यूज़ करके इसको शेक करें. जैसे अभी ये अलग साउंड करता है, वैसे ही अगर दो देखोगे तो इसमें हम लोग जब क्वांटिटी चेंज करते हैं तो दोनों का साउंड अलग अलग आता है, दोनों बॉटल वाइज अलग साउंड आता है. वैसे ही पानी का जब हम लोग कोई बकेट्स या ये देखते हैं, अभी जैसे ये टैंक है नॉर्मली हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, थोड़े बहुत डेंट की वजह से लोग फेंक देते हैं, जिसमें बहुत टाइप के मतलब जो हम लोग तो ये टाइप के जो रिदम्स है इसको हम लोग मेलेडी पार्ट में करते हैं. जैसे ये बॉल है, ये नॉर्मली अभी जैसे यूज़ किया जाता है तो हम लोग इसको प्ले करते हैं. उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग घर में कुछ थोड़ी सी चीज़ों की वजह से वो चीज़ों को फेंक दिया जाता है. जैसे सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ डेंट नहीं होना चाहिए, कुछ टूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना, थोड़े से भी अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स हुआ तो वो लोग फेंक देते हैं. तो वो चीज़ों को ला के ये बच्चे लोग लेके आते हैं और उसमें से हम लोग एक क्रिएटिव पार्ट लेके जाते हैं. तो मेन स्लोगन यही रहता है हमारा कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. जो भी चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं आसानी से, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किस्मत से मिलता भी नहीं है. अभी ऐसे नॉर्मल अगर आप ये बॉटल देखोगे तो ये एक स्प्राइट का नॉर्मल बॉटल है जिसको हम लोग पीने के बाद फेंक देते हैं, कोई उठाता भी नहीं उस चीज़ों को. तो यहाँ पे जो ये इनका संदीप का क्रिएशन है ये, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो अगर आप बॉटल देखेंगे इसको यहाँ से कट किया है, कट करके ये जो जिंगल्स देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जिंगल्स मार्केट में बहुत कॉस्टली आता है, उसको भी ना यूज़ करते हुए ये वो बॉटल के जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं ये वो ढक्कन है जिसको हम लोग ओपनर से खोल के फेंक देते हैं, उसको पलट के देखते भी नहीं. तो ये चीज़ों को उसको हामर से सीधा किया गया है और इससे जिंगल बनाया गया है जिसमें साउंड बहुत डिफर करता है. जैसे अगर आप ऐसे प्ले करोगे तो अलग साउंड है, तो आप अगर नॉर्मल आप तो ऐसे सब टाइप्स के हैं इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, जो ये बच्चे खुद ढूंढ के लेके आते हैं कि उसको क्रिएटिव मैनर में कैसा लेके जाए.
धारावी रॉक्सच्या कलाकारांचा हा परफॉर्मन्स तुम्हाला पण आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि महा एम टी बीला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.